In one diagram, we have given universal set, we have given set A, we have given set B, right? So we are, what we are doing is, we are using these sets to draw a one diagram, right? ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? अब one diagram में हम universal set को, we are showing universal set with a rectangular box, right? Yes, sir. यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगुलर बॉक्स से शुरू करते हैं. अब यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब जरा यहाँ पे ये पूरा जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स इज शोइंग द यूनिवर्सल सेट, राइट? अब अगर यहाँ पे एलिमेंट दिखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो यूनिवर्सल सेट के इस रेक्टेंगुलर में ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स, राइट? Yes, sir. Now look at here. जो सेट ए या बी होते हैं यूनिवर्सल सेट को हम किससे शो करते हैं वेन डायग्राम में? रेक्टेंगुलर बॉक्स से, राइट? Yes, sir. Okay. तो दूसरे सेट्स हैं, ए सेट या बी सेट या कोई और सेट, सी सेट या कोई और भी सेट्स होंगे जो इनके यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं, राइट? ये तो आप एग्री करते हैं कि ये ए और बी यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं? यस सर. ए और बी यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं? यस सर. ओके, अब जरा ध्यान से देखें, जो सबसेट्स होते हैं यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगुलर बॉक्स में शो करते हैं, जो सबसेट्स होते हैं उनको हम सर्किल से शो करते हैं, राइट? अब ये वाला जो सर्किल है, ये वाला, ये जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये किसका सर्किल है? सर ए का. ए का, क्योंकि देखो इसमें सारे ए के एलिमेंट है, 1, 3, 5, 7, राइट? 1, 3, 5, 7, राइट? और ये वाला जो सर्किल है बी का, बी का, इसमें सारे बी के एलिमेंट है, 3, 4, 5, 6, राइट? ठीक है. यस सर. ओके, अब जरा ध्यान से सुनेगा. अब यहाँ पे 3 और 5 एलिमेंट ओवरलैप कर रहे हैं दोनों सर्किल्स को, ऐसे ही है? यस सर. ओके, अब जरा ध्यान से सुने, मुझे मालूम क्या करना है, ए यूनियन बी, ऐसे ही है? अगर yes, मैं ए यूनियन बी मालूम करता हूँ तो मेरे एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे? 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7, राइट? ऐसे ही है, 1, 3, 5, 7. 4 नहीं आएगा? नो सर. क्यों? ये देखो ए और बी में 4 तो मौजूद है, दोनों का मैं यूनियन करूंगा तो 4 तो आएगा. यस सर. ना, तो यहाँ पे 4 भी मिलेगा मुझे, सही है? सर 6. 6 भी मिलेगा. 7 के पहले नहीं. ठीक है, अब जरा देखें. yes. अगर मैं ए यूनियन बी करता हूँ, चलो मैं इसको प्रॉपर से लिखता हूँ. ए का सेट क्या है? 1, 3, 5, 7. ए का सेट है 1, 3, 5, 7, राइट? और इसी तरह से यूनियन बी का सेट है 3, 4, 5, 6. तो इन दोनों का मैं यूनियन करूंगा तो वो ये निकलेगा, ऐसे ही है? यस सर. ए यूनियन बी करूंगा तो ये निकलेगा. ठीक है, अब जरा देखो, जो मेरे ए यूनियन बी का रिजल्ट है, राइट, जो मेरा ए यूनियन बी का रिजल्ट है, मैं उसको शेड कर रहा हूँ सर्किल में, राइट? यस सर. मतलब ये जो शो कर रहा है, ये रिजल्ट ए यूनियन बी का शो कर रहा है, और जितने भी एलिमेंट्स ए यूनियन बी में है वो सब शेडेड है. अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 इसमें नहीं है और 2 शेडेड भी नहीं है, राइट? यस सर. ओके, अलिश्वा, मेरी आवाज आ रही है अलिश्वा को बेटा? अलिश्वा, अलिश्वा, आर यू हियरिंग मी? अलिश्वा, अलिश्वा को मेरी आवाज आ रही है?
अलिश्बा हमारे साथ है? हेलो, ओके आगे चलते हैं। अब जरा देखें, अब ए इंटरसेक्शन बी का सेट है, राइट? यस सर। ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या आएंगे? अगर मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखूं तो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स क्या होंगे? अच्छा बताओगे ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा? यस सर। जी क्या होंगे ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स? क्या होंगे सेवन? सेवन यस सर। ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट, इंटरसेक्शन में क्या देखते हैं हम? आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी के? सर 3 and 5। 3 and 5 राइट, कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं ना इंटरसेक्शन में तो, राइट? यही होंगे। अलिश्बा आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। हम पढ़ रहे हैं वन डायग्राम के बारे में। ओके मैं जरा रिपीट कर देता हूँ अलिश्बा के लिए। अलिश्बा हम वन डायग्राम में पढ़ रहे हैं, वन डायग्राम में हम जो सेट्स होते हैं, जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको किससे कश्यप शो करते हैं? कश्यप, हेलो कश्यप, हेलो अलिश्बा आप सुन रहे हैं मुझे? यस सर। ओके, वन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रेक्टेंगल से शो करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है जो शो कर रहा है कौन से सेट को? यूनिवर्सल सेट को। ये देखिए यूनिवर्सल सेट में मेरे एलिमेंट्स कितने हैं? 1 से लेके 7 तक। और यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेके 7 तक हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 राइट। और यहाँ पे देखें ए एलिमेंट और बी एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट के सब एलिमेंट्स हैं उनको हम सर्कल से शो करते हैं, ठीक है? उनको हम अरिश्वा सर्किल से शो करते हैं। अब ये वाला जो सर्किल है किसको शो कर रहा है? एक एलिमेंट। और ये वाला जो सर्किल है बी के एलिमेंट, ठीक है? अब मैंने ए यूनियन बी सॉल्व किया, राइट? सो ए यूनियन बी का जो आंसर आया वो ये आया, ठीक है? अब जो एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आए उसको मैंने क्या कर दिया? शेडेड कर दिया, राइट? सही है अलिश्बा? यस सर। ओके, जो एलिमेंट ए यूनियन बी में है उसको शेडेड कर दिया, तो ये जो शेडेड एलिमेंट है ये शो कर रहे हैं कि ये ए यूनियन बी का रिजल्ट है। इसको कहते हैं वन डायग्राम, ठीक है? ओके, अब अगला क्वेश्चन था हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन बी में हम क्या कर रहे हैं? कॉमन ढूंढ रहे हैं। इन दोनों एलिमेंट्स में कॉमन क्या है? 3 and 5 को हम शेड कर रहे हैं यहाँ पे। जरा यहाँ पे देखें तो 3 and 5 को हम शेड कर रहे हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद ए माइनस बी पे आते हैं, तो ए माइनस बी के एलिमेंट कौन से होंगे? जी ए के एलिमेंट क्या है? 1, 3, 5, 7 और माइनस कर रहे हैं बी के एलिमेंट कौन से हैं?
थ्री फोर फाइव सिक्स राइट. तो ए माइनस बी हमारे पास क्या मिलेगा? ए माइनस बी क्या मिलेगा? हेलो बेटा, ए माइनस बी हमें क्या मिलेगा? वन एंड सेवन. वन एंड सेवन राइट. वन एंड सेवन ठीक है. अब जरा देखिए, हम एक वन डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम वन एंड सेवन को शो करेंगे शेडेड करके हाईलाइट. ठीक है, वन एंड सेवन को हमने हाईलाइट किया हुआ है, बाकी को हमने ये देखो, वन एंड सेवन को हाईलाइट करेंगे और बाकी को हम क्या करेंगे, ओके. अब जरा इधर देखें, अब वन एंड सेवन को शेड किया हुआ है, बाकियों को तकरीबन व्हाइट किया हुआ है, कोशिश तो पूरी की हमने व्हाइट करने की. सही है, तो वन एंड सेवन किसको शो कर रहे हैं? ए माइनस बी को राइट. सो आप फिगर ड्रॉ करके तो आसानी से इसको कर सकते हैं. ठीक है, कंप्यूटर में थोड़ा मैनेज करना मुझे मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप फिगर ड्रॉ करके इसको आसानी से कर सकते हैं. ठीक है, ओके. अगर मैं b माइनस a करूंगा तो फिर मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? अगर b माइनस a करता हूं तो फिर रिजल्ट क्या मिलेगा? b के एलिमेंट्स कौन से हैं, याद है किसी को? b के एलिमेंट्स कौन से हैं? 3 4 6 7 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 ठीक है. और ए के एलिमेंट कौन से हैं? ओके, सो हमें b माइनस ए के एलिमेंट्स क्या मिलेंगे? जी 4 एंड 6. ठीक है, ओके. अब इसको जरा ड्रॉ करते हैं. अगर मुझे ड्रॉ करना हो तो क्या ड्रॉ करूं सबसे पहले क्या ड्रॉ करूं? अगर इसकी वेन डायग्राम मुझे ड्रॉ करनी हो तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करूं? रेक्टेंगल. सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं. चलें, सबसे पहले मैंने ये देखें रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया. ठीक है, उसके बाद दो सर्कल्स, ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और ये सेकंड सर्कल ड्रॉ कर लिया. ठीक है, ओके. अब जरा देखिए, ये मैं यूनिवर्सल सेट रख रहा हूँ और यूनिवर्सल सेट के बीच में टेक्स्ट लिख रहा हूँ राइट. तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट राइट, और यहाँ मैं एलिमेंट रख रहा था टू. ये वाला मेरा कौन सा सेट है? ए. ए ठीक है, जरा ए सेट में देखता हूँ मेरे कौन से एलिमेंट आ रहे हैं. ए सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे?
वन और कौन सा थ्री. ओके थ्री जो है मेरा कॉमन है तो मैं उसको इस सर्किल के अंदर डालता हूँ. ये थ्री यहाँ डाल दिए मैंने. और फाइव भी यहाँ डाल दिया. ठीक है गोबरा सर्किल में सिक्स है ना मेरे पास. ये बी का बी के एलिमेंट है ना थ्री फोर फाइव सिक्स. हेलो यस सर. ओके ये देखिए मेरे एलिमेंट्स पूरे हो गए. ये वाले कौन से एलिमेंट है? एक एलिमेंट है राइट. वन थ्री फाइव सेवन ये देखें वन थ्री फाइव सेवन. और ये वाले एलिमेंट कौन से हैं? बी के एलिमेंट है थ्री फोर फाइव सिक्स. और ये देखें मैंने इनको कॉमन रखा है यहाँ पे है ना क्योंकि ये दोनों में कॉमन थे ना. अब मुझे हाईलाइट किसको करना है? फोर एंड सिक्स सर बी के वाले को. फोर एंड सिक्स को करना है. ठीक है अब मैं जरा हाईलाइट करता हूँ उसको. देखिए जरा सही हाईलाइट किया मैंने. यस सर. यस सर. गलत किया. नो सर थ्री और फाइव को नहीं करना. थ्री और फाइव को नहीं करना चाहिए था मुझे. ठीक है मुझे सिर्फ फोर और सिक्स को हाईलाइट करना चाहिए था. और मैंने किसको कर दिया? मैंने तो सबको कर दिया. ओके अब थोड़ा साफ क्लियर नजर आ रहा है राइट. मुझे इन थ्री और फाइव को हाईलाइट नहीं करना राइट. ओके अब जरा ध्यान से देखिएगा अगर मुझे हाईलाइट नहीं करना तो मैं क्या करूँ? मैं एक और सर्किल ड्रॉ करता हूँ इसके ऊपर. अब जरा देखिए थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहे हैं. यस सर. है ना तो इसका मतलब है मुझे किसको हाईलाइट करना था? फोर एंड सिक्स को हाईलाइट करना था. तो मैं कोशिश करके कामयाब हो चुका हूँ फोर एंड सिक्स को हाईलाइट करने की राइट. यस सर. ओके थोड़ा ड्रॉ करना इसको डिफिकल्ट होता है लेकिन कर लिया मैंने राइट. तो इसका मतलब है वेन डायग्राम में जो आंसर आएगा ना उसको सिर्फ मैंने शेडेड करना है राइट. मतलब ये आपको यूनिवर्सल सेट बनाना आ रहा है कि यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल से शो होगा और जो ए और बी के सेट्स हैं उनको तो मैंने सर्किल में रखा लेकिन जो बाकी हैं जो ए और बी में नहीं है उनको मैंने रेक्टेंगल में रिप्लेस कर दिया. जैसे टू है ना इसमें है ना इसमें है ना तो उसको मैंने कहाँ प्लेस कर दिया?
उसको मैंने रेक्टेंगल में प्लेस कर दिया, इन सर्कल्स के अंदर नहीं रखा, ठीक है। ओके, इससे ऊपर जो है हमने ए माइनस बी का रिजल्ट देखा कि ए माइनस बी का रिजल्ट क्या रहा था, 1 और 7, राइट। तो हमने सिर्फ 1 और 7 को शीट किया, बाकियों को शीट नहीं किया, सही? Yes, sir. ओके, और अगर ऊपर देखें तो ऊपर इंटरसेक्शन का रिजल्ट आ रहा था 3 और 5, ऐसे ही है। तो हमने सिर्फ 3 और 5 को शेड किया, बाकियों को शेड नहीं किया। और ऊपर देखें तो ऊपर रिजल्ट आ रहा था ए यूनियन बी का जो था 1, 3, 5, 7, 4, 6, ये सारे के सारे शेडेड कर दिए, 2 इसमें नहीं था, उसको शेड नहीं किया। इसको कहते हैं हम वन डायग्राम, राइट। वन डायग्राम से इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मैं क्लास तो एंड कर रहा हूँ, आपने अभी तक मुझे कॉपीज नहीं दिखाई,